नमस्कार, घमासान.com में आपका स्वागत है। मैं अर्जुन राठौर। शुक्रिया, नमस्कार। हमारे साथ आज महिला साहित्य सम्मेलन में भाग लेने के लिए आई सीमा जैन जी। आप ग्वालियर से आई हैं, प्रसिद्ध लेखिका हैं। आपसे हम बात करते हैं आज के कार्यक्रम को लेकर। जरूर, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। साहित्य सम्मेलन बहुत सारे संदेश देते हैं। साहित्य एक दरवाजा है जीवन की सृजनात्मक और रचनात्मकता को बढ़ाने का। ये दौर है, इस समय हम देख रहे हैं, एक हमें युद्ध से गुजरे हैं, तो हमारा सबसे पहला संदेश होगा देशभक्ति, देश प्रेम, जो सिर्फ सेनाओं ने सीमाओं पर किया है वो नहीं। हम एक भारतीय नागरिक बने और हम अपने फर्ज के प्रति हर जगह हर वक्त सजग रहें। साथ ही एक संदेश मैं और देना चाहूँगी, पर्यावरण। पर्यावरण सन 80 की बात है, तब कुछ डॉक्यूमेंट्रीज बनी थी, तब कहा जाता था कि पर्यावरण बड़े बुरे दौर से गुजर रहा है, टाइगर है तो जंगल है, सब खत्म हो जाएगा। आज हम 2018 में आ गए, तब भी हम यही कह रहे हैं पर्यावरण बचाओ। मतलब हम तब से अब तक कितने बुरे दौर में आ चुके हैं और हमें अब पर्यावरण के प्रति बेहद सचेत और सजग रहना चाहिए। ये दो संदेश यदि जाते हैं तो बहुत शुक्रिया घमासान का, ये संदेश आगे बढ़े। जो अभी जो लिखा जा रहा है उसको लेकर क्या सोचते हैं? बहुत अच्छा सवाल। लिखा जा रहा है, लेखक हर दौर में बहुत अच्छे होते हैं, मगर कितने होते हैं ये एक अलग बात। बाढ़ आती है, फैशन होता है, सोशल मीडिया की प्लस भी है, माइनस भी है। मैं लेखक कुछ होते हैं, वही मैं कह रही हूँ, हर वक्त अच्छे होते हैं। कुछ होते हैं जो अपनी रचनात्मकता के साथ बहुत गंभीर होते हैं, बहुत ही लगन के साथ अपना काम करते हैं, और कुछ होते हैं जो नाम, पुरस्कार और अहंकार के साथ अपना लेखन करते हैं। वो कहीं ना कहीं थोड़े समय के लिए विधा को नुकसान पहुंचाते हैं, मगर ज़िंदगी के हर दौर में, हर क्षेत्र में, कला के किसी भी क्षेत्र में लंबी रेस का घोड़ा ही जीतता है। कोई फर्क नहीं पड़ता है एक अच्छे कलाकार को, मतलब एक अच्छा कलाकार उसे कोई हरा दे, कोई उसे पीछे कर दे, कोई आगे बढ़ जाए, इससे कुछ नहीं होता। कला की जीत होती ही, कला अमर है, कलाकृति अमर है, कलाकार मरता है। प्रेमचंद का गोदान कभी नहीं मर सकता। प्रेमचंद के गोदान की नकल करके 10 लोग लिख सकते हैं, उससे कुछ नहीं होता। मैं कहती हूँ कि रचना की चोरी भी कहीं ना कहीं रचना की बहुत बड़ी सफलता है। उस रचना में, ओ हेनरी की रचना में, द लास्ट लीफ में इतना दम था कि विश्व की हर भाषा में पता नहीं कितनी बार ट्रांसलेट हुई और लोग बदल बदल के उसको लिख लेते थे, तो ये रचना की बहुत बड़ी सफलता है। हाँ, सोशल मीडिया के प्रति एक बात और कहनी पड़ेगी। अभी जब हम युद्ध के दौर से गुजर रहे हैं, हम थोड़े से जिम्मेदार बने, कितने गैर जिम्मेदार हैं। मैं अपने आप को बहुत बड़ा लेखक कहने के लिए पता नहीं कहाँ से खबरें ले आती हूँ, क्या लिख दे देती हूँ, क्या फ़ोटो लगा देती हूँ। मुझे थोड़ा सा सेंसिटिव होना चाहिए। जो लोग फाइटर प्लेन चला रहे हैं, क्या उनके फ़ोटो पब्लिकली दिखाने चाहिए? जो लोग युद्ध में भाग ले रहे हैं, क्या उनके फैमिली के सारे पर्सनल डिटेल्स लीकेज होने चाहिए? हम कहते हैं हम लोकतंत्र में हैं, हमें स्वतंत्रता चाहिए, पर कहीं ना कहीं लगता है कि थोड़ा सा डिसिप्लिन, आप डिसिप्लिन को सेंसर का फिर हाहाकार मत मचाइए। आज मेरा घर है, मेरे घर को चलाने के लिए मैं बहुत डिसिप्लिन मेंटेन करती हूँ। आपको पता है कि मेरा लड़का ख़राब है, मैं अपने लड़के की हर बात बाहर नहीं करूँगी। ऐसा हर घर में होता है। जब हम अपने हर घर को इतना सेंसिटिवली बड़ा करते हैं, मैं अपने घर के लड़के की बात बाहर नहीं ले जाती हूँ, मैं उसको कहीं ना कहीं ब्यूटीफुली प्रेजेंट करती हूँ, तो फिर वो अपने देश के साथ वैसे क्यों नहीं होते? हर चीज़ के पर खर्चे उड़ा देना, ये कह देना कि मैं तो बहुत बड़ी खबरदार, मतलब खबरें ला रही हूँ, मैं बहुत बड़ा काम कर रही हूँ, हम सजग हैं, हम लोकतंत्र के प्रहरी हैं, ऐसा नहीं। हम जैसे अपना घर साफ रखते हैं जिम्मेदारी से, वैसा क्या हम अपने घर की गली को साफ रखते हैं जिम्मेदारी से? हम हर जगह जिम्मेदार हैं। हमारा सैनिक, हमारे शहीद आज के 100 साल पहले, 200 साल पहले, 500 साल पहले, जिन्होंने जान की बाजी लगा दी, उनको तो हम खोल कर पी गए, हमने क्या किया? मैं अगर युद्धभूमि पे नहीं गई तो क्या हुआ? मैं यहाँ हूँ, यहाँ मैं कितनी जिम्मेदार हूँ? मैं सैनिकों के लिए, मैं देशभक्त, मैं यहाँ एक नागरिक के रूप में जहाँ भी मैं काम कर रही हूँ वहाँ क्या मैं पूरी देशभक्ति दिखाती हूँ? क्या मेरा देश प्रेम सिर्फ बातों का है? कारगिल के युद्ध के वक्त मेरा देश प्रेम दिखता है, या मेरा देश प्रेम हर वक्त? हर वक्त अगर हम जागते तो आज हमारा एक सैनिक जिसको देख के हम बहुत बुरी तरह हिल गए, अभिनंदन का चेहरा हमने देखा, मैं सच में हिल गई, किसी के चेहरे पर इतना खून, हम दुखी हुए ना, पर ऐसा यहाँ नहीं होता क्या? हमने ऐसा क्यों होने दिया? 4 गुंडों ने एक लड़की को मारा, तब क्या हम इतने सजग हुए थे? हम सब इतने सजग होते तो मेरा भारत महान होता, जिसके लिए पता नहीं कितनी शहादतें हुई। हम मंगल पांडे और झांसी की रानी को आज याद करते,
अरे वो अभिनंदन के नाम पर इतना इतने बेताब हो रहे, अब झांसी की रानी के नाम पर क्यों ना हुए, अब भरत सिंह के नाम पर क्यों ना हुए, उनके परिवारों को तो कभी रोटी ना मिली। हमने तब क्या किया, हम जागे, हम भारतीय बने, हम देश को प्यार करें, इससे बड़ा कोई संदेश नहीं है। और साहित्य, साहित्य से बड़ा कुछ भी नहीं, शब्दों से ज़्यादा ताकतवर कुछ भी नहीं है। शब्दों के इस अथाह सागर से हम पता नहीं क्या चुनकर क्या बोल सकते हैं और क्या संदेश दे सकते हैं। बहुत बड़ी ताकत है और मैं कहा आसान का बहुत सारा शुक्रिया अदा करूँगी, आपने मेरी इतनी सारी बातें सुनी, थैंक यू, धन्यवाद। Subscribe our channel and press the bell icon for more updates.